भिवंडी में आजादी अमृत महोत्सव के तहत भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कमिश्नर विजय कुमार मसाण और डीसीपी योगेश चौहान की अगुवाई में निकाला गया यह तिरंगा यात्रा, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओ, पुलिस, रिक्शा यूनियन, सफाई कर्मचारी और आम नागरिकों ने हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल के इस यात्रा में अपना सहयोग दिया। भिवंडी गैबी नगर खंडूपाड़ा तैयब मस्जिद की खराब सड़कों से लोग हो रहे हैं परेशान, दिग्गज नेता भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं राहत। वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना ने देखी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, दोनों ने कहा धमाल मचाएगी ये फिल्म। आग लगा दी। सेना की तरफ से एक बयान आया है जिसमें कहा गया है एकनाथ शिंदे को नीतीश कुमार से सीखना चाहिए कि बिना घुटने टेके भी जीवित रहा जा सकता है। बुलंदशहर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भाजपा नेताओं ने 20-20 रुपए में बेचे राष्ट्र ध्वज। नोएडा रिक्शा से टकरा कर निकली कार, तो कार चालक महिला ने रिक्शा ड्राइवर को 90 सेकंड में 17 थप्पड़ जड़ दिए, छीने मोबाइल, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने महिला पर किया मामला दर्ज। कानपुर बीजेपी विधायक की दादागिरी का वीडियो हुआ वायरल, बीजेपी विधायक राहुल बच्चा और एक दारोगा के बीच हुई तीखी नोकझोंक। बीजेपी विधायक के समर्थक बोले पूरी विधानसभा ने मिलकर इन्हें जिताया है, भाजपा की सरकार है याद रखना। दारोगा बोले 20 करोड़ की आबादी में सिलेक्शन हमारा भी हुआ है। बिहार में एनडीए को लग सकता है जोर का झटका, 3 एमपी थाम सकते हैं नीतीश तेजस्वी का दामन। पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। पंजाब में मान सरकार की तरफ से पास किए बिल को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया, गवर्नर ने एक विधायक एक पेंशन बिल को मंजूरी दे दी है, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, इससे जनता के लिए काफी टैक्स की बचत होगी। बॉलीवुड के खिलाफ बायकॉट का ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा है, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के बाद अब शाहरुख खान की पठान का सोशल मीडिया पर बहिष्कार शुरू हो गया है। वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना ने देखी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, दोनों ने कहा धमाल मचाएगी ये फिल्म। आग लगा दी। जन्म से मुसलमान नहीं है समीर वानखेड़े, पूर्व एनसीबी अधिकारी को सर्टिफिकेट केस में क्लीन चिट मिलने पर समीर वानखेड़े ने कहा इसका मुझे दुख है कि मेरे परिवार और मृत माँ को भी नहीं बख्शा गया। आपको आज का मिरर हेडलाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप भी कर रहे हैं किसी तरह की समस्या का सामना तो हमसे संपर्क करें, क्योंकि भिवंडी मिरर जनता से जुड़ी समस्याओं को दिखाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता।